तो साथियों, अखंड भारत की साइकिल यात्रा की तैयारी के इस तीसरे दिन पर आज की हमारी साइकिल राइड करीब करीब 90 किलोमीटर की होने वाली है और सुल्तानपुर जनपद मुख्यालय से करीब 45 से 50 किलोमीटर दूर बेजेथुआ महावीरन आज हम जाने वाले हैं हनुमान जी का दर्शन करने। और अभी मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ रोड से 100 मीटर अंदर आकर, ताकि थोड़ा शांति मिल जाए। और ये एक विद्यालय है, श्री चंद्र राष्ट्रीय इंटर मीडिएट कॉलेज गोसाईगंज सुल्तानपुर, यानी गोसाईगंज में शहर से करीब 15 किलोमीटर आगे बढ़कर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो के पूरा होने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे बेजेथुआ महावीरन की तरफ। आप लोग का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। साथियों, इन रास्तों पर साइकिल चलाते समय समझ में आता है दुनिया कितनी तेज भाग रही है। सब जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच जाना चाह रहे हैं, पर मज़ा मंजिल का नहीं, रास्तों का होता है। हम तो इसमें विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए रास्तों की खूबसूरती और रास्तों में पड़ने वाले खूबसूरत मंदिरों को देखते सुनते आगे बढ़ेंगे। साथियों, आज की राइड कुछ मायनों में अलग होने वाली है रोज से, क्योंकि आज हम बजरंगबली जी का दर्शन करने के बाद रात में वहीं पर स्टे करने वाले हैं। साथियों, रास्ते में पड़ने वाले इन छोटे छोटे स्मृति द्वारों को कौन देखता है, पर मुझे लगता है इन्हें भी देखना चाहिए। कई तो इनमें स्थानीय शहीदों के होते हैं। एक पल के लिए ही सही, पर इन शहीदों को मन में याद करते चलें, यही हमारी तरफ से एक सच्चा हिंदुस्तानी होने की गवाही है। आगे पड़ता है मोतीगरपुर थाना। अब एक अधिवक्ता होने के नाते थाने पर मेरी निगाह न पड़ी, ये कहाँ हो सकता है। अब यहाँ से 20 किलोमीटर रह गया है बेजेथुआ, और साइकिल चलाते चलाते हमको भी लग गई है थकान, तो सोच रहे हैं थोड़ा इधर उधर कहीं पर रुक करके थोड़ा आराम कर लिया जाए। और लगभग 35 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल चला चुके हैं वन गो में। बीच बीच पे रुकते दो चार मिनट, पाँच मिनट आराम करते हैं, लेकिन काफ़ी समय से लगातार साइकिल चला रहे थे, थकावट हो गई है, तो अब रास्ते में कहीं रुकेंगे हम। दोस्तों, ये अखंड भारत साइकिल यात्रा मैं बिना किसी मकसद के नहीं कर रहा हूँ। मेरी इस यात्रा का पूरा विजन क्या है, ये किसी डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मेरा एक और लक्ष्य है, रास्ते में चाय मैं कभी अकेले नहीं पीऊंगा, हमेशा रास्ते में कोई एक दोस्त बनाकर उसके साथ चाय पीऊंगा। तो आज के मेरे दोस्त थे अतीक भाई, जो फेरी लगाकर चद्दर कंबल बेचते हैं। इन्होंने बात ही बात में बताया कि ये रोज 60 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, वो भी देसी। तो दोस्तों, धरती अभी वीरों से खाली नहीं हुई है। ये हैं अतीक भाई, जो हमको रास्ते मिल गए। हम दोनों चाय पियेंगे, चाय पी के साथ में यहाँ से निकलेंगे। है इसके बाद मैंने अपने चिरपरिचित अंदाज में अतीक भाई को अपना वीडियो दिखाया और चैनल सब्सक्राइब करके अपना यूट्यूबर होने का दायित्व निर्वाह करके आगे बढ़ गया। चालाक ब्रो, चालाक। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय शीतला प्रसाद गुप्ता मार्ग और संत तुलसीदास पीजी कॉलेज देखते हुए हम अपनी साइकिल पर पैडल मारते आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। साथियों, इस अखंड भारत की साइकिल यात्रा का एक और उद्देश्य यह है कि मैं एक संदेश फैलाना चाहता हूं कि आपकी रफ्तार के चलते सैकड़ों मासूम बेजुबान जानवरों की जिंदगी चली जाती है। लोगों का एक्सीडेंट होता है, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, पर इंसान को बचाने तो चार इंसान आ भी जाते हैं, पर घायल जानवरों को देखने और उन्हें रास्ते तक से हटाने के लिए कोई नहीं आता, और एक के बाद एक गाड़ियां उनके परखच्चे तक उड़ा देती हैं। तो कोशिश करें अपनी रफ्तार अपने काबू में रखें और उससे किसी बेजुबान की दुखद मृत्यु ना हो। तो अब कादीपुर यहां से केवल बचा हुआ है 1 से 1.5-2 किलोमीटर, और बेजेथुआ महावीरन करीब 10-12 किलोमीटर। पीछे साथी अतीक हमारे साथ साथ चल रहे हैं, कादीपुर तक हमारा इनका साथ है, इसके बाद ये वहां पर रुक जाएंगे और हम आगे निकल जाएंगे बेजेथुआ महावीरन का दर्शन करने। साथी अतीक अब अपने गंतव्य के रास्ते पर पहुंच गए हैं, इसलिए ये अब अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। साथियों, हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है, हमारी जिंदगी में कई ऐसे लोग आते हैं जिनके साथ रहने की हमारी आदत हो जाती है, पर हमें यह बात हमेशा समझते रहना चाहिए कि अपना गंतव्य आने पर वे भी आपका साथ छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाते हैं पंडित रामचरित मिश्रा महाविद्यालय। तो अभी कादीपुर हम क्रॉस कर चुके हैं, सूरापुर यहाँ से है 2 से 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के आसपास, और सूरापुर से बेजेथुआ महावीरन 1 किलोमीटर के आसपास। तो मान के चलिए 15 से 20 मिनट में हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं। उसके पहले पड़ता है यह खाटू श्याम पेट्रोल पंप, जिसकी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ सुल्तानपुर में भी खाटू श्याम जी को मानने वाले बहुत से लोग हैं। क्या आपको पता है खाटू श्याम कौन थे? पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जब मैंने अपनी अखंड भारत साइकिल यात्रा के विषय में घर पे और अपने बंधु बांधवों में जानने वालों में इस बात की चर्चा की कि मैं साइकिल से अखंड भारत की यात्रा करने वाला हूँ, तो जो सबसे ज्यादा आम सवाल मुझसे पूछा गया, वो ये पूछा गया कि आपके पास गाड़ी भी है, आप उससे यात्रा कर सकते हैं, या जो यात्रा करने के ट्रेडिशनल माध्यम है ट्रेन से, बस से, आप उनसे भी यात्रा कर सकते हैं, फिर आपने साइकिल से यात्रा करने की क्यों सोची? साइकिल से यात्रा करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ी जो बेनिफिट है वो ये है कि आप ऐसे छोटे छोटे मंदिरों पर, ये श्री राम जानकी जी का छोटा सा मंदिर है, कादीपुर से सूरापुर साइड आप आगे बढ़ेंगे तो दाहिने हाथ पे, ऐसे छोटे छोटे मंदिरों पर आपके पास रुकने की लिबर्टी होती है, लोगों से बातचीत करने की, लोगों से मुखातिब होने की आपको लिबर्टी होती है,
और घूमने का मतलब मैं ये समझता हूँ कि आप कहीं पर गए और डेस्टिनेशन देखकर चले आए, उसको मैं घूमना नहीं मानता हूँ। घूमने का मतलब है कि जहाँ पर आप गए हैं उन जगहों को आप भलीभांति एक्सप्लोर करिए, वहाँ के लोगों से आप मुखातिब हों, उनसे मिले जुलें। तो इसीलिए मैंने साइकिल से अखंड भारत की यात्रा करने की ये अपनी जो प्लानिंग है वो बनाई है। साथियों, अब यहाँ से बिजेथुआ मात्र और मात्र 1 किलोमीटर दूर बचा हुआ है और लगभग हम पहुँच गए हैं, और पहुँच करके अब आपको दर्शन कराते हैं बजरंगबली जी के, और हम भी दर्शन करते हैं। अपने तो सिर्फ राम है, दोस्तों वैसे मैं बहुत धार्मिक इंसान हूँ, पर धर्म के नाम पर कुछ आडंबरों का बहुत मुखर विरोधी भी हूँ। मैंने देखा मंदिर में कई किलो लड्डू ऐसा फेंका हुआ था जो शायद सुरक्षित रखा जाता तो कई लोगों का पेट भर जाता, पर सुरक्षित भी कितना रखें, चढ़ाव बहुत ज़्यादा चढ़ता है ना। फूल माला हर व्यक्ति चढ़ाता है, इतनी माला चढ़ जाती है कि बजरंग बली जी खुद ही दब जाते हैं और कोई उन्हें देख भी नहीं पाता। अगरबत्ती के पैकेट और फूल के दोने से बहुत कचरा जमा हो जाता है जो मंदिर की सुंदरता और साफ सफाई को बाधित करता है। ऐसी आस्था का क्या मतलब जिसके बोझ के तले बजरंग बली जी खुद ही दब जाएं। आगे आपकी अपनी मर्जी भाई। और यहाँ पहुंचकर मंदिर परिसर में ही हमको मिल गया है रात्रि विश्राम करने का अड्डा, तो इसलिए हम यहीं आराम करेंगे, भोजन पानी करेंगे। विजयथुआ धाम से आप सभी को सुप्रभातम। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं कल रात में यहाँ आया और कल रात में यही मंदिर परिसर में मेरे निवास की व्यवस्था बन गई और मैं यहीं पर रहा। और पीछे आप देख सकते हैं बाबा विजयथुआ धाम का मंदिर और हनुमान जी का, जहाँ पर हनुमान जी विराजमान है और उसके पीछे मकरी कुंड है। अब मैं सुबह करीब 6-7 बज रहे हैं, आसपास की जो दूसरी जगहें हैं उनको देखने घूमने निकला हूँ, आपको भी दिखाता हूँ कुछ ऐतिहासिक स्थल। इस कुंड को आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें पानी नहीं है, बाकी पोखरा जैसा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है मगर इसमें पानी नहीं है। आगे मैं इसका इतिहास बताने की आपको कोशिश करता हूँ। ये जो पोखरा आप देख रहे हैं इसका नाम है हत्याहरण कुंड। जिस वक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत पर जा रहे थे उस वक्त कालदेवी ने उन्हें रोकने के लिए साधु का वेश बनाया और उन्हें रोकने की कोशिश की और नहाने के लिए मगरी कुंड में भेजा, जहां मगर मच्छी का जबड़ा फाड़कर हनुमान जी ने उसे मुक्त किया। पर उस कुंड में एक हत्या हो जाने के कारण वह कुंड अपवित्र हो गया। लौटकर उन्होंने कालदेवी का वध किया। ऐसे में हनुमान जी ने 2 वध किए इस यात्रा में, जिसके बाद उन्होंने इस हत्याहरण कुंड में स्नान करके इन हत्याओं के पाप से खुद को मुक्त किया। आज भी माना जाता है कि यदि गलती से किसी जानवर या किसी की हत्या करने का पाप आपके सिर पर लग जाए तो उसका प्रायश्चित करने के पश्चात यहाँ नहाने से आपके सिर से उस हत्या का बोझ उतर जाता है। साथियों, इस विजयथुआ धाम के विषय में कुछ रोचक बातें जान लीजिए। यहाँ पर लगी हनुमान जी की मूर्ति कहीं से लाई नहीं गई है, बल्कि वो हमेशा से यहीं पर थी और मूर्ति हल्की सी तिरछी है। एक बार स्थानीय लोग और मंदिर समिति के लोगों ने तय किया कि मूर्ति को खोद कर थोड़ा सीधा कर दिया जाए, पर 110 फीट तक खुदाई करने के बाद भी मूर्ति के पैर का कोई और छोर नहीं मिला। साथियों, जिस मंदिर पर मैं रुका हुआ था वहाँ के बाबा जी ने जब मेरा अखंड भारत साइकिल यात्रा का मकसद जाना तो उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और सलाह दिया कि मैं सबसे पहले गंगा सागर जाऊँ। और क्या बोले वो आप सुनिए, उसके बाद मैं एक मजेदार वाक्य बताता हूँ। आपको इतनी पूर्ण मिलेगी जी, आप शायद सोचेंगे अच्छे परिवार में है और अच्छा जाए। बिल्कुल महाराज जी, यह मेरा दावा। बिल्कुल महाराज जी, मैं बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। मेरा प्लान नहीं था वहां जाने का, लेकिन मैं जाऊंगा, पहली बार ही जाऊंगा। मेरे साथ बिल्कुल अप्रत्याशित घटना घटी। जिन बाबा जी को भी आपने देखा, उन्होंने मुझे 200 रुपये देना चाहा। मैंने कहा बाबा जी ये मैं आपसे पैसा दूं, ऐसा कैसे, हमको आपको पैसा देकर सुनना चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, तुम्हारा जो ये मकसद है, जिस मकसद से तुम निकले हो अखंड भारत की साइकिल यात्रा करने, ये बहुत अच्छी है, तुम्हारे भोजन के लिए मैं दे रहा हूँ इसको, और मेरा आशीर्वाद समझ के इसको रखो। और उन्होंने मुझे सलाह दी कि सबसे पहले आप गंगा सागर की यात्रा करो। साथियों, अगर ये वीडियो आप अब तक देख रहे हो तो उसका मतलब ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप एक लाइक जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही वीडियोज़ के आने की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।